आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वो पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। सीएम धामी ने जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पर आधारित फिल्म का भी प्रसारण किया गया। खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए सुझाव कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों का कार्य महत्वपूर्ण होता है, वह समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति से भी जुड़े हुए होते हैं, वह उनके हितों में लगातार कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रधानगण जनप्रतिनिधि मनोयोग के साथ कार्य करें। यह भी कहा गया कि नर से ही नारायण सेवा है। सभी ने कोरोना काल के दौरान बेहतर कार्य किया है, उन्हें सरकार कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित कर रही है। और सीधे उनके साथ संवाद भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि उनके बीच में जो भी समस्याएं हैं, कि वो हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जाते हैं, सरकार और जनता के बीच में वो समन्वय का भी काम करते हैं। तो इसलिए हम उनके बीच में जाकर उनसे संवाद और इसीलिए हमने जो है पिछले दिनों उनका मानदेय बढ़ाया है और त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी का मानदेय बढ़ाया है। साथ में ग्राम प्रधानों को कोरोना में काम करने के लिए हमने 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी हमने जो है घोषणा की है। उसको हम जल्दी उतारेंगे। ग्राम प्रधानों के माध्यम से हम सीधे सीधे जो हमारे वहीं बाजपुर में धान का पोर्टल खुलवाने और किसानों का धान का भुगतान करवाने को लेकर आक्रोशित दर्जनों किसानों ने भाक्यू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए रोड पर 10 मिनट के लिए सांकेतिक जाम लगा दिया गया। इसके बाद SDM कोर्ट पहुंचकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर 2 दिन का समय भी दिया गया है। वहीं कहा गया कि गाजीपुर बॉर्डर की तर्ज पर शहीद भगत सिंह चौक पर भी आंदोलन किया जाएगा। वहीं जाम की सूचना मिलते ही कोतवाल रमेश तनवार SI VG गोस्वामी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। किसानों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया गया और जाम को खुलवाया गया। भाक्यू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा कि खाद्य मंत्री बंशीधर भगत से हल्द्वानी में जाकर 10 दिन पहले उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने देहरादून सचिव को निर्देशित किया था कि 25,000 कुंतल धान के लिए पोर्टल खोला जाएगा, बावजूद इसके धान अभी तक नहीं तुल पाया है तो पोर्टल की सीमा भी बढ़ा दी जाएगी। खाद्य मंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने वायदा करा था कि आज ही पोर्टल खोल देते हैं। उन्होंने फोन भी कर दिया अधिकारियों को कि पोर्टल खोल दो, 25,000 क्विंटल का पोर्टल खोल दो आज ही, मगर आज 10 दिन हो गए, कोई पोर्टल नहीं खोला। उधर गन्ने का पेमेंट ही मिल रहा, इधर धानों का पेमेंट है। झूठी सरकार कह रही थी कि 24 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाएगा, 3 महीने तक पेमेंट नहीं किसानों को आ रहा। पहले आपदा ने मार दिया, अब हमें सरकार ने मार दिया है। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति भगत सिंह चिराए पे 2 दिन के बाद चक्का जाम करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि हम ऐसे जैसे वहां बॉर्डर पे हुआ ना, ऐसे बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें देवों की धरती उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जहां राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में लग गई हैं। वहीं अधिकारी स्तर पर भी मीटिंगों का दौर जारी है। बता दें कि हरिद्वार के डैम कोठी पर यूपी और उत्तराखंड के जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिले उत्तराखंड की सीमाओं से भी लगे हुए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों जिलों के अधिकारियों की बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। साथ ही संबंधित SDM और पुलिस अधिकारियों के साथ दोनों प्रदेशों के अधिकारी भी इन्फॉर्मेशन को साझा कर रहे हैं। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2022 में होना है, उसी की तैयारियों के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई थी। और हम सभी लोग भली भांति विदित हैं कि जनपद हरिद्वार की जो सीमाएं हैं वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे मिलती हैं, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इसके पूर्व बिजनौर और सहारनपुर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक जॉइंट बैठक हो चुकी थी। आज उसी कड़ी में मुजफ्फरनगर की पूरी टीम आई हुई है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, वहाँ के SSP और भी ऑफिशियल्स आए हुए हैं। तो मुख्य रूप से 3-4 जो इश्यूज़ होते हैं,
एक तो पोल डे पर बॉर्डर की सीलिंग जो 72 घंटे पहले हम लोग करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उस पर काफ़ी विस्तार से डिस्कशन हुआ है। साथ ही साथ जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो दोनों बॉर्डर पर रहते हैं तो उनके सूचनाओं का आदान प्रदान, इस पर सहमति की गई कि इसको निरंतर शेयर किया जाएगा। और जो लिकर के इश्यूज आते हैं इलेक्शन के टाइम पर, उसमें भी सूचनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान और उस पर प्रभावी कार्रवाई करने के बारे में भी बातचीत की गई है। मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह, मैं जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर। आज जो विधानसभा चुनाव आगामी होने हैं उसको लेकर के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग होती है उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपको भी DM हरिद्वार साहब ने पूरी जानकारी दी है जो बैठक में निर्णय हुए हैं। तो विशेष रूप से जो व्यवस्थाएं चुनाव को लेकर के होती हैं, खास करके जो बॉर्डर के एरिया है उसको कैसे, उस पर किस तरह की व्यवस्था बनानी है वो थोड़ी आईडी दिखाओ। और इसके अलावा जो है जो अवैध शराब का संचरण या शस्त्र का संचरण, इसके संबंध में जो बैठक में जो है वो सारे विचार विमर्श हुए हैं और उसी की रणनीति बनाई गई है। और उम्मीद यह है कि पूरा दोनों जिलों में आपसी सामंजस्य के साथ जो चुनाव अच्छे तरीके से सम्पन्न। हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण गुहाई तोगड़िया हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और संघ पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द ही तबलीगी जमात और देवबंदी पर प्रतिबंध नहीं लगाती तो भारत में भी अफगानिस्तान जैसे गृह युद्ध की स्थिति बनाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने विहिप को छोड़ने के पीछे संघ के नेताओं का हाथ होने की भी बात कही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2% है, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 1.7 जबकि मुसलमानों की 2.4 है, जिसका अर्थ यह है कि अगले 50 वर्षों में पूरे भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वही विधानसभा ज्वालापुर के ग्राम रिठौड़ा ग्रंट में क्रिकेट मैच का उद्घाटन कांग्रेस नेता भूप सिंह की तरफ से किया गया। इस मैच में 32 टीमें खेलेंगी, इनमें से जो टीम फाइनल में जीत हासिल करेगी उसको 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और हारने वाली टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वही विधानसभा ज्वालापुर से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे भूप सिंह ने कहा कि शिक्षा जहां बच्चों को संस्कारित बनाती है वही खेलों से इनका शरीर मन स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता से बच्चों को इस खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। भूप सिंह ने कहा कि अगर मेरा चेहरा विधायक के रूप में जनता के सामने आता है तो बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बनाया जाएगा। मैं जवालापुर विधानसभा के गांव रठोरा के लोगों का, युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो इन्होंने आज जो क्रिकेट का मेरे द्वारा शुभारंभ किया गया है। और मैं चाहता हूं कि आने वाली 2022 की सरकार कांग्रेस की बने और इस क्षेत्र को, ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र, घाट क्षेत्र, यहां भी एक स्टेडियम बने जो यहां का युवा कम से कम अपनी प्रतिभा दिखा सके और देश का नाम रोशन कर सके। प्रदेश में सीएम धामी ने घनसाली विधानसभा में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। टिहरी घनसाली विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी जो थे वो चमियाला पहुंचे हुए थे। यहां पर क्षेत्र में करोड़ों की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। यहां उन्होंने चमियाला के में घनसाली विधानसभा क्षेत्र की करोड़ों की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। आपको बता दें कि घनसाली विधानसभा के अंतर्गत शेदुल महाविद्यालय के प्रथम चरण का कार्य सेवा THDC की ओर से धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसका मुख्यमंत्री की तरफ से शिलान्यास किया गया। सीएम ने घनसाली विधानसभा क्षेत्र में 3,38,00,000 की लागत से कुल 7 परियोजनाओं का लोकार्पण व 74,55,00,000 की लागत से 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। आईडी नीचे नीचे करो तो भाई, ऊपर करो। घनसाली जैसे क्षेत्रों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, लगातार हम उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं, लगातार हम विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ घनसाली क्षेत्र में आगे भविष्य में बहुत सारी विकास की संभावनाएं हैं, उन सभी पर हमारी सरकार काम करेगी।
और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। और हमारा जो सिद्धांत है कि अंत्योदय का सिद्धांत समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा शासन। वही भीम फोर्स बहुजन सेना मूल निवासी के तत्वाधान में एसडीएम कालाडूंगी को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि भीम फोर्स बहुजन सेना मूल निवासी ने एसडीएम को यह ज्ञापन सौंपा। कालाडूंगी में निर्माणाधीन खेल मैदान को अंबेडकर पार्क बनाने, सामुदायिक भवन बनाने, धरना स्थल निर्माण के संबंध में उप जिलाधिकारी कालाडूंगी को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के जरिए SC/ST कमीशन और केंद्र सरकार को जानकारी दी गई। बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि यहां पर 42,000 अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। खेल स्टेडियम की अवधारणा अनुसूचित जाति के विकास में बाधा डाल रही है, जिसके चलते अन्य वर्ग के लोगों की ओर से इनको दबाया जा रहा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि खेल स्टेडियम को अनुसूचित जाति के विकास संवर्धन के लिए उनमें पार्क और अन्य सुविधाओं को दिया जाना चाहिए। ये ज्ञापन हमने भीम फोर्स बहुजन मूल निवासी सेना के तत्वाधान में दिया है और ये अंबेडकर पार्क बनाने के हेतु और सामुदायिक भवन बनाने हेतु और एक धरना स्थल निर्माण बनाने हेतु के संबंध में दिया है। और ये ज्ञापन हमने SC/ST कमीशन एंड केंद्र सरकार को अवगत कराया है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 42,000 के समथिंग रहती है, इतनी आबादी यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर उस आबादी की अवहेलना की जाती है, उस आबादी को पैरों तले रौंदा जाता है, ना ही उनकी कोई सुनवाई करने वाला है, उन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे, यहाँ इतनी आबादी होने के उपरांत भी ना ही उस आबादी के लिए अनुसूचित जाति के लिए कोई सामुदायिक भवन का निर्माण किया। यहाँ पर यहाँ के अधिकारियों पर मैं ब्लेम लगाना चाहता हूँ, इनको दोषी ठहराना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की बिल्कुल सुध नहीं ली गई है। ये भीम फोर्स की जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बहुजन मूल निवासी सेना द्वारा, इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य रोका जाए और जो माननीय SC/ST आयोग को संबोधित है, मेरे द्वारा ये इनको प्रेषित कर दिया जाएगा। इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया स्थिति वापस दी गई है। बढ़ते शहरीकरण के कारण कूड़ा पूरे देश के लिए इस वक्त परेशानी का सबब बनता जा रहा है, लेकिन कर्णप्रयाग नगर पालिका ने इसका हल निकाल लिया है। दूसरी नगर पालिकाओं के लिए एक मिसाल भी पेश हुई है। नगर पालिका कर्णप्रयाग ने 2013 से अब तक बीते 9 सालों में कूड़ा बेचकर 14 लाख रुपए की आय हासिल कर ली है, जिसे कर्णप्रयाग नगर पालिका इन दिनों चर्चा में इस वक्त बना हुआ है। प्लास्टिक, कागज के गत्ते और रबड़ को अलग अलग कर मशीन के जरिए इसको पैक करके बेचा जा रहा है। नगर पालिका के अध्यक्ष दमयंती रतूड़ी ने कहा कि 2013 से अब तक बीते 9 सालों से हमने 14 लाख रुपए की कमाई कर ली है। वहीं अधिशासी अधिकारी गुरदीप आर्य ने कहा कि पालिका की आय को बढ़ाने के लिए प्रयास भी लगातार जारी है। मशीन जो है 2013 में लगी थी और इससे पालिका को आज तक 2013 से आज तक की जो कमाई हुई है 14 लाख रुपए हमें प्राप्त हो चुका है इस कूड़े से। ये जैविक और अजैविक जो कूड़ा दो प्रकार का होता है, इससे पर्यावरण को जो लोग कूड़ा ऐसे फेंक देते हैं, बिखेर देते हैं, उससे नुकसान होता है। हमने सोचा कि पर्यावरण बचाने के लिए हम इसका क्यों ना सदुपयोग किया जाए और इससे एक तो पालिका की इनकम हो रही है, दूसरी बात पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, पर्यावरण का बचाव हो रहा है, और तीसरी बात इसमें यह है कि मैं जनता से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप ये कूड़ा जैविक और अजैविक अलग अलग दो प्रकार कर छांट कर हमें दे दीजिए। इसमें हमें सुविधा होगी और इससे हमें मतलब काम करने में सहयोग। बाजपुर में वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष जनपद ऊधम सिंह नगर के निर्देश पर नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत ASP काशीपुर और पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान 23 ग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। संबंधित धाराओं में चालान कर फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। ASP चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि बहुत जल्द हमारी ओर से एक और अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कॉलेज के में जाकर छात्रों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया जाएगा। आगे पुलिस को सख्त हिदायत देते हुए ASP ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों पर किसी भी कीमत में उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इक्कीस तारीख को शाम लगभग 4:30 बजे के करीब जो हरबंस सिंह है, पुत्र गुद्दड़ सिंह, ये बेरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं जो थाना केला खेड़ा में पड़ता है, इन्होंने अपने स्प्लेंडर से जो इसको 22 ग्राम के लगभग
इस मैग को ये कैरी कर रहे थे, कहीं बेचने के लिए ले जा रहे थे। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये किसी परिचित से ला रहे थे और किसी को देने जा रहे थे इसको बेचने के लिए। तो इस पर इनको हमारी पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया है और इनसे जो बरामदगी हुई है वो 22 ग्राम इसमें के, जिसकी मार्केट में लगभग 1.5 लाख से 2 के बीच, इंटरनेशनल मार्केट में, हाँ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1.5 लाख से 2 के बीच में, 2 लाख रुपए के बीच इसका मूल्य है। और इसमें पूछताछ की जा रही है कि अभी इन पे इनका पुराना कोई इस तरह का क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं, पहले भी इन पे कोई अभियोग पंजीकृत हैं, ये भी अभी बाकी अन्य जगहों से भी हम इसको जांच में विवेचना में पूछ लेंगे, पता कर लेंगे। साथ ही साथ ये कहां से ला रहे थे और कहां देने जा रहे थे इस पर भी हम जांच करेंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां प्रथम महिला वॉलीबॉल लीग का आयोजन मेवाड़ के पास ही एक कॉलेज के मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड राज्य के पूर्व राज्य मंत्री अरुण कुमार सूद और वरिष्ठ आप नेता इंजीनियर शादाब आलम ने फीता काट कर किया। इस दौरान विधानसभा प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने कहा कि शिक्षा जहां बच्चों को संस्कारित बनाती है, वहीं खेलों से उनका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता से बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। और ये सिर्फ गेम नहीं है, ये एक आप समझ लीजिए बेटियों के लिए, एक आगे बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके उत्साह बढ़ाने के लिए एक पहली शुरुआत है पीरानकली और विधानसभा में, कि क्यों नहीं हमारी बेटियां आगे बढ़ सकती, आगे पढ़ सकती, और हमारी बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यहाँ का जो आप मान लीजिए ये वो जगह है जहाँ पर आज भी घोड़े तांगे चल रहे हैं, यहाँ पे रोडवेज बस अड्डे नहीं है, यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस नहीं है गर्ल्स के लिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे होना चाहिए, उसके योगदान के लिए ये हमने दिखाया है कि क्यों पीरान कलियर में हम किसी भी चीज़ से वंचित रहने देंगे अपनी बेटियों को, या क्यों यहाँ का समाज आगे नहीं बढ़ सकता। वॉलीबॉल लीग का पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है, आज उसकी शुरुआत है, और इसके लिए जो इनके दायित्वधारी हैं जिन्होंने यहाँ पर कॉलेज को चुना, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसका ये आयोजन रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्थान चुना, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और शादाब भाई और जो सूरज रोड जी हैं जिनके प्रयासों से ये आज हो रहा है, इनका धन्यवाद। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।